हेलो एवरीवन, लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने पेंडिंग इक्वेशन को प्रूव कर लिया था। पेंडिंग इक्वेशन जो हमारे पास आई थी उसको देख लेते हैं। क्या हमारी पेंडिंग इक्वेशन आई थी? तो वो था सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये थी हमारी पेंडिंग इक्वेशन। तो अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं किसी भी बीम में सिग्मा, तो सिग्मा अगर हम केवल इतना पार्ट देखें तो सिग्मा इज इक्वल टू एम इंटू वाई ओवर आई। यहां पर वाई क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस से, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से किसी जिस फाइबर पे आपको स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं उस फाइबर की डिस्टेंस होती है। तो जनरली हमारे पास ये वाला जो रेशियो है आई बाई वाई, ये बहुत बार हमको देखने को मिलता है। इसीलिए इस वाले जो रेशियो, ये जो रेशियो है इसको अलग से डिफाइन किया जाता है, कर दिया जाता है, जिसका नाम दे दिया गया बाद में सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस, ये रेशियो आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो जितना ज्यादा जेड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर एम बाय जेड, सिग्मा हो गया एम बाय जेड के बराबर। तो जितना ज्यादा जेड होगा उतना कम सिग्मा बी होगा। अगर जेड की वैल्यू हाई होगी तो सिग्मा बेंडिंग जो स्ट्रेसेज है वो कम होंगे, ठीक है। और ये आई जो है, मतलब जेड जेड किसके बराबर है? आई बाय वाई के। तो आई इज अ प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी भी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है मटेरियल की, मटेरियल के क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है उसका, क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मटेरियल का क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था मुझे आपको बताना था यहां पर। और यहां से फिर आप एक और तरीके से देख सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू वाई बाय आर। ये रिलेशन भी आपके पास यहां से आ सकता है। तो इस तरीके से भी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर उसने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो यंग्स मॉड्यूलस भी देगा और वाई के बारे में भी आपको जानकारी देगा। तो अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर बेस, तब जाके आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। बाकी कुछ चीजें अगर मिस भी हो गई होंगी थ्योरी में, तो जो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा आपको यहाँ पर सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। आप इन सब चीजों को ध्यान देना जो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल कराते हुए बताऊंगा। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आप लगभग लगभग 90 to 95% क्वेश्चंस बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑन अ बीम के आप कर सकेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की पिक्चर मैं अभी अपलोड करता हूँ इसमें। ये क्वेश्चन की इमेज मैंने इंसर्ट कर दी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ स्टील वायर ऑफ 10 mm डायमीटर, 10 mm डायमीटर इज बेंट इनटू अ सर्कुलर आर्क ऑफ 20 m रेडियस। मतलब आपके पास एक सर्कुलर वायर, एक वायर थी स्टील वायर, वायर सर्कुलर ही होती है, उसका जो डायमीटर है वो है, इस वायर को आपने एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में बेंड कर दिया, एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में बेंड कर दिया, जिसका रेडियस है उस आर्क का 20 m। तो यहां से अगर ये इसका सेंटर है, ये अगर इसका सेंटर है तो इसका रेडियस हो गया हमारा 20, ये हो गया 20 m, ठीक है, ये हो गया 20 m। और ये जो वायर है आपकी, इसको भी मैं बना देता हूं ऐसे। तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा, वायर का जो क्रॉस सेक्शन है ये सर्कुलर है, और जो रेडियस है, डायमीटर है इसका, वो है 10 mm, 10 mm। तो अगर इसको थोड़ा एनलार्ज और बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और जो न्यूट्रल एक्सिस है वो मैंने आपको बताया था कि अब जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इनमें सब में न्यूट्रल एक्सिस जो है वही हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस होगी। तो ये हमने बना दी है। इसका रीजन मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूं कि न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस से क्यों इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस होगी। अभी हमसे पूछ रहा है, यू हैव टू डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द वायर, टेक्स यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू दिस, टेक्स यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू इंटू टू इंटू 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, आपको वो नॉर्मल स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी सिग्मा फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अभी हमने पीछे जो रिलेशन देखा था, सिग्मा वाज इक्वल टू ई बाय आर इनटू वाई, ई बाय आर इनटू वाई, ई हमारे पास है
आर हमारे पास है, हमको वाई चाहिए। अगर वाई मिल जाए, उसने आपसे पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेसेस, मैक्सिमम स्ट्रेसेस मैंने आपको बताया था, अगर बीम की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस कहां पर अकर करेंगे, जो टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट फाइबर होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये सिमेट्रिकल फिगर है तो टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट फाइबर दोनों में एक ही जैसे स्ट्रेसेस आएंगे। बट एक तरफ अगर ये ऊपर ऐसे, अगर आपका शेप बेंड हुआ, आपकी वायर कुछ इस तरीके से बनी है, तो ऊपर टेंसाइल आएंगे और नीचे कंप्रेसिव आएंगे। ठीक है, नीचे कंप्रेसिव आएंगे, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस कहां पे आ रहे हैं, आउटर मोस्ट फाइबर पे। तो सेंटर से अगर आप सेंट्रोइडल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर की डिस्टेंस देखोगे तो वो रेडियस के बराबर होती है, वो ही रेडियस के बराबर होती है, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो, आर इज इक्वल टू डी बाई टू। तो इसको फाइंड कर लेते हैं। ई उसने हमें क्वेश्चन में दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, रेडियस कितना दिया है 20 मीटर। सब एमएम स्क्वायर में है, एमएम में है, तो आप इस 20 मीटर को भी एमएम में कन्वर्ट कर लेना, 20 × 10�³ हो जाएगा इंटू रेडियस, डायमीटर बाय टू होता है, डायमीटर उसने हमें दिया है 10, तो रेडियस हो गया हमारा 5। आप यहाँ पर लिख दोगे 5, तो ये हो गया आपका 10⁴, तो यहाँ से कट गया, 10 बच जाएगा, 10 बच जाएगा, यानी यहाँ ऊपर 10 बच चुका है, 10 × 5 इज इक्वल टू 50 MPa, जो आपका सिग्मा आएगा वो आ गया आपका सिग्मा इज इक्वल टू 50 MPa। ये आपका रिक्वायर्ड स्ट्रेस है, और ये कितना है, मैक्सिमम स्ट्रेस है। अगर वो बोलता है न्यूट्रल एक्सिस से 2 mm डिस्टेंस पर निकालो, 2 mm डिस्टेंस पर निकालोगे तो जो आपका आर हो जाता, जो वाई हो जाता, वाई वो 2 mm के बराबर हो जाता, तो उस वाले केस में जो आपका स्ट्रेस आ जाता वो आ जाता 20 MPa। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ये वाला क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा गया है। और जो क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट वगैरह में पूछे जाते हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन फिर SSC JEE वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस वाले सेशन के लिए, ये वाला क्वेश्चन काफी है, इसके बाद मैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।